बेइंतहा गर्मी अपने साथ अलग दिक्कतें लेकर आती है और रैशेस जिसे हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उनमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैला अग्रवाल और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट को तो परेशान करती ही हैं, डॉक्टर को भी उतना ही परेशान करती हैं। और टीनिया या रिंगवर्म, दाद, खुजली एक उसी चीज का नाम है। और डॉक्टर को क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही है। ओवर द ईयर्स हुआ यह है कि लोगों ने अपने आप बहुत सारी दवाएं लगाई हैं। कई बार इसमें वो फोर डर्म और ऐसे कॉम्बिनेशन भी थे जिसमें स्टीरोइड था जो फिलहाल ठीक करता चला जाता है पर नीचे से जो है वो फंगस को उगाता चला जाता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गलत डोजेस पे दवाओं का इस्तेमाल हुआ। तो आज हालत ये है कि ये फंगस इतना रेजिस्टेंट हो गया है कि अलग अलग दवा अलग अलग लोगों पे काम करती है, हमें बार बार बदल के देखना पड़ता है। तो क्या इसके लिए हमें करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि फंगस होता क्या है। फंगस हम सबके स्किन में एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है और फंगस और बैक्टीरिया का एक बैलेंस होता है। कई बार लोगों को क्या होता है कि जब उन्हें एंटीबायोटिक खानी पड़ती है तो बैक्टीरिया तो नीचे चले जाते हैं पर फंगस बढ़ जाता है, तो दाद के नाम से जो रेड पैचेस होते हैं वो आने लगते हैं। और टीनिया, इसको हम टीनिया बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है। अगर वो फेस पे होता है तो उसको टीनिया फेशिया ही बोला जाता है, बॉडी पे होता है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। दिक्कत ये है कि अगर आप इस टीनिया को इतना बढ़ने देंगे कि वो आपके पूरे बॉडी फोल्ड्स पे और बॉडी पे पूरा अपना घर बना लेगा तो बिलीव मी उसको ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक राउंड पैच या इची पैच आपको नजर आ रहा है तो मेहरबानी करके अपने आप क्रीम्स ना लगाएं, और खासकर वो क्रीम्स जिसमें 3-4 चीजें हैं, बिकॉज जो भी कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फिलहाल तो आपको असर दे देता है, आपको रिलीफ मिल जाती है, लेकिन वो हमारे लिए आफत बन जाता है क्योंकि जब वो उभर के आता है टीनिया तो उसको ठीक करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन है, 2 हफ्ता आप ओवर द काउंटर जो भी क्रीम मिल रही है इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो मेहरबानी करके दोबारा उसी क्रीम के भरोसे मत रहिए। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और हमारा जो रूल है वो है रूल ऑफ 2। 2 हफ्ते के लिए 2 बार दवा खानी है और 2 बार लगानी है 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड द लीजन। अगर आपका लीजन इतना है तो आपको दवा पूरे पे लगानी पड़ेगी ताकि अंदर जो फंगस उग रहा है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। आजकल हर तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। लोग सिर्फ डॉक्टर से डॉक्टर तब्दील करते रहते हैं और इस वजह से इलाज नहीं हो पाता है। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि मेरी गर्दन पकड़ के रखिएगा, जब तक ठीक ना हो तब तक प्लीज पीछा मत छोड़िएगा। यही आपसे कह रही हूँ कि किसी एक को उसका जिम्मेदार बनाइए और वो उस डॉक्टर की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। हमारे साथ क्या होता है कि वो हम अपना फर्ज मान के चलते हैं कि हमें ठीक करना है, अगर नहीं होता तो हम एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, पर जिम्मेदारी हमेशा हमारी रहती है। फंगस के बारे में हम बात आगे और भी करते रहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा ये फंगस और ज्यादा परेशान करने लगेगा। तो आज का सबक यही है कि एक बार आपके लगाने से अगर क्रीम ये ठीक नहीं हुआ तो मेहरबानी करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। और क्या करें, लेट्सअप को डाउनलोड कीजिए, हम आपकी सेहत के बारे में कुछ ना कुछ बातें आपको बताते रहते हैं। टेक केयर।